हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बार फिर से आप लोग का RLY ऑनलाइन क्लासेस में मैं विवेक यादव स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के फिजिक्स, जो कि आज का हमारा टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, उत्तल और अवतल दर्पण क्या होता है। बहुत विद्यार्थियों को, मतलब हर विद्यार्थियों को इसमें बहुत कंफ्यूजिंग होती है कि हम कैसे पहचान करें उत्तल दर्पण है कि कैसे पहचान करें अवतल दर्पण है। आज उन्हीं का कंफ्यूजिंग हम दूर करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों ध्यान से आप लोग देखिएगा और या अच्छे से टॉपिक समझने के लिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों हम देखिए, आपको बताते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। इसकी इंग्लिश दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब परावर्तक पृष्ठ यहाँ से क्या होता है, जैसे हमने यहाँ बता दिया परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर। जैसे देखिए दोस्तों, आपको हम यही कोई गोला अगर हम बना देते, देखिए जो दर्पण होगा गोली के आकार का होगा, इसी गोले के एक भाग को कोई हम ले लेते हैं यही बार, ठीक है। अब यही है, इसी गोला का जो हमने भाग लिया दोस्तों, चलिए देखिए इधर से बना देते एक बार, ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए यही गोला रहेगा, एक गोला इधर से इसका गोलाई किधर दोस्तों पूरा होगा इस तरफ ना, ठीक है। अब देखिए हमने इधर से क्या कर देते, इस पे पॉलिश लगा दी जाती है। पॉलिश का मतलब दोस्तों, हमने जैसे डॉट डॉट किया है दोस्तों, इसका मतलब पेंट किया गया इस पे, ठीक है। अब दूसरा जो बनाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा वो वाला भी ऐसे ही रहेगा, इधर से पेंट कर देते हैं ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा से। अब देखिए जो हमने कहा परावर्तक पृष्ठ, मतलब जो चिकना पृष्ठ होगा, अब देखिए जो गोला बना है सेंटर इसका इधर हो रहा है, मतलब इस केंद्र के जो पृष्ठ आप दोस्तों यही होगा बाहर वाला, जो चिकना वाला तो बाहर है, वही जो बाहर वाला पृष्ठ है दोस्तों उसी पृष्ठ को हम क्या कहते हैं परावर्तक। हमको बाहर कैसे पता चला, क्योंकि जब इसका सेंटर बनाएंगे तो इसका सेंटर इधर बन रहा है, लेकिन जो चिकना वाला पृष्ठ इसकी दूसरी तरफ होगा सेंटर के, मतलब जब इसका दिया जाता है पृष्ठ इधर होगा बाहर वाला। दोस्तों दर्पण आप या फिर ऐसे बनाइए या फिर दोनों ऐसे, दोनों उत्तल दर्पण है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगर कहेंगे इसके वाले के लिए तो क्या बताएंगे, यहाँ के दोस्तों गोला आप इधर बनेगा सेंटर इधर होगा, तो इधर चिकना वाला पृष्ठ उस साइड में है ना, तो मतलब परावर्तक पृष्ठ वही है। देखिए दोस्तों ये बाहर वाला है वही परावर्तक पृष्ठ है, इधर का भी इधर होगा और इधर सेंटर तो जरूरत नहीं होगा, और इधर वाला भी दोस्तों आपको इधर से परावर्तक पृष्ठ है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। या फिर आप इस डिफिनेशन को आप दूसरे तरीके से कैसे बताओगे, ऐसा गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर, मतलब अंदर की ओर पॉलिश की गई होती है, चाहे दोस्तों दबे हुए भाग पर कहिएगा या फिर अंदर की ओर पॉलिश की गई होती है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, तो दबे हुए भाग का मतलब हमने जब गोला बनाया यही अंदर की ओर गोले के, देखिए जब गोला इसका हम पूरा बना देंगे तो इस गोले के अंदर पॉलिश की गई है कि नहीं, वही दबे हुए भाग को, मतलब अंदर है आप कहिए ऐसा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा गोली दर्पण जिसके अंदर की तरफ या दबे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है उसे हम गोली उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए अंदर वाले भाग पर हो गए इधर दबे, मतलब वही अंदर, इधर वाले भी गोला बनाओगे दोस्तों दबे भाग पर हो रहा पॉलिश, देखिए अंदर वाले भाग पर है, कैसे पता, क्योंकि सेंटर इसका इधर हो रहा है, गोले के अंदर पॉलिश हो गई कि नहीं। अगर ये बाहर होता तो बाहर अलग की बात थी, लेकिन अंदर पॉलिश हुआ है, तो दर्पण कौन सा होगा दोस्तों, उत्तल दर्पण। दोस्तों दोनों में से कोई डिफरेंस जो हमने राइट किया है, या फिर बताइएगा वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग, मतलब अंदर की भाग पर पॉलिश किया गया होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं, तो ऐसे बनाएंगे। दोस्तों अगला टॉपिक होगा अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। तो हमने राइट किया है, ऐसा गोली दर्पण या ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। अंदर की ओर कैसा बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर हमको कोई दर्पण बनाना होगा तो ऐसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको पॉलिश किया जाएगा दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये चीज यहाँ पर ऐसे होगा, ये चीज दोस्तों आपको ऐसे बनाना होगा, या फिर ऐसे दर्पण बनाइएगा, या फिर दोस्तों आप लोग इस तरीके से बनाइएगा। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों आपको अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, हमने डिफिनेशन में राइट किया है परावर्तक पृष्ठ अंदर के, मतलब जो चिकना वाला पृष्ठ होगा, तो इसका परावर्तक पृष्ठ दोस्तों आपको यही वाला भाग हुआ जो है, यही यही क्या है परावर्तक पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यही परावर्तक, इधर वाला का भी परावर्तक पृष्ठ यही बना है आप लोग दोस्त, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आपको अच्छा टॉपिक है। देखिये यहाँ पर कहेंगे परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, उसे देखिये जिसका गोला बनाएंगे तो दोस्तों आप जब गोला पूरा करेंगे आप इसका, चलिए यहाँ से गोला पूरा करेंगे तो इधर ही बनेगा,
अब देखिए यहाँ से जो गोला के अंदर वाला भाग नहीं पड़ उसके अंदर वाला भाग चिकना है तो इसके अंदर वाला कहते हैं। जब इधर बनाओ तब भी दोस्तों गोले के अंदर वाला भाग चिकना होगा ना, तो इसको हम कहते हैं अंदर वाला भाग परावर्तक हो। या डिफिनेशन बताओगे, वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर मतलब बाहरी भाग पर पॉलिश की गई होती है। बाहरी भाग का मतलब दोस्तों गोला आपको इधर बन रहा है, सेंटर इधर है, तो इसके बाहर वाले भाग पे पेंट करेंगे। देखिए बाहर से पेंट किया गया है, वही क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। यहाँ भी वही होगा दोस्तों, दोनों में से कोई फिगर बनाइएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। डिफिनेशन बताइएगा, वह दर्पण जिसके बाहरी भाग पर पृष्ठ किया गया हो अवतल दर्पण कहलाता है, अंदर की भाग पर कलई किया गया हो कलई या पॉलिश देख के उत्तल दर्पण कहलाता है। दोस्तों इसके बाद अगली हेडिंग होगा हमारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार सब बताया जाएगा आपको बेहतरीन तरीके। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखिए प्रतिबिंब दोस्तों आपका अगली हेडिंग होगा प्रतिबिंब, इमेज। व्हाट इज इमेज, क्या होता है दोस्तों आपको बताना होगा, इमेज क्या होता है आपको पता होगा ना, प्रतिबिंब होगा या फिर इमेज आप लोग बोलते हो, तो इसको डिफिनेशन बहुत इजी होगा दोस्तों। बताओगे जब प्रकाश की किरण किसी एक वस्तु से चलकर, देख क्या बताओगे, जब प्रकाश की किरण किसी एक वस्तु के, कोई भी वस्तु रहेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु के एक बिंदु, कोई वस्तु रहेगा एक बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन। दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पे लिखा गया है, परावर्तन या अपवर्तन, चाहे वो परावर्तन होगी चाहे वो अपवर्तन होगा, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को, उस बिंदु को मतलब दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, जैसे कि डिफिनेशन आपको राइट किया गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और पूछ रहे हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दोस्तों प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। अगर पूछा जाए आपको वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है दोस्तों, खाली इसी में आप लोग लिख देंगे वास्तव में मिलती है। ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु के एक बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में दोस्तों हमको दिखाई देती है, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको होगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, जैसे दोस्तों हम उसको फोटो खींच सकते हैं, जो आपका सिनेमा चलता नहीं, सिनेमा अगर जो फोकस माला रहता है दोस्तों, वो आपको पर्दा, पर्दा के उस पर प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक होता है। और जो पहले शब्द उसको निगेटिव बनाते थे दोस्तों, निगेटिव या फिर जो एक्सरे करके आता दोस्तों, वो सब जो होता है वो आपको आभासी होगा, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। जैसे देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वर्चुअल इमेज, मतलब हमको दिखाई नहीं देता है क्योंकि उसको हम आभास करते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु के एक बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, देखिए यहाँ पे लिखा गया वास्तव में नहीं मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत का मतलब होता दोस्तों केवल हम आभास करते हैं, तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और दोस्तों ये भी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट होगा, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, जो निगेटिव आपको आता था या फिर उसको पर्दे पर हम नहीं दिखा सकते फोकस करके, तो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, वास्तविक पर्दे प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और आपको जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। अगर दोस्तों अब आप बात करते हैं कोई वस्तु है, और एक और बता दे रहे हैं, कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम आपको दो किरण की जरूरत पड़ती है, मतलब किसी बिंदु पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो कम से कम दो बिंदु, दो किरण की जरूरत पड़ेगा, और वो दो किरणें जिस बिंदु पर आपस में काटती हैं उसी दोनों किरण को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे काटेंगे वही प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों पहले आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, एक बार हम साइड में जा रहे हैं तो आपको क्लियर करके हम बताते हैं, मतलब कोई बिंदु रहेगा उससे प्रकाश किरण चलेंगी कैसे, तो आपको बता दे, तो आप उम्मीद करते स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे हम मान लेते दोस्तों आपको कोई एक वस्तु ऑब्जेक्ट वो ले लेते हैं ना, वस्तु है, प्रकाश किरण यहाँ ढेर सारी निकल के चल रही, देखिए अब इसका यहाँ से कोई चीज है टकरा गया, दर्पण हो गया कोई भी, टकराने के बाद यही दोनों जहां पर काट देती, देखिए जो यही बिंदु पर कटा है उसी बिंदु पर क्या बनेगा प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम आपको कितने किरण की जरूरत पड़ती है दोस्तों, दो, ध्यान दीजिएगा, दो किरण रहेगा तभी आपको सही प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो मतलब दो के बाद बन ही नहीं सकता है, तीन चार उससे ज्यादा ले चाहे जो। और यही जो प्रतिबिंब हमारा, देखिए हमारे जो सामने से बना है, अब देखिए दर्पण मानी समतल दर्पण, यहाँ जो बनेगा ये प्रतिबिंब
कोई भी दर्पण ले लीजिएगा, चलिए जो यहाँ बना हो हमारे सामने वस्तु के सामने होगा, मतलब वस्तु की ओर है ना तो वास्तविक बना। अगर यही दोस्तों हम पीछे बना दें तो आभासी होगा। जैसे दोस्तों अगर हम देखिए यही कोई बिंदु लगा दे रहे हैं, ठीक है, यही हमने कोई बिंदु लगा दिया, अब उस व्हाइट बोर्ड या दीवार के उधर जाएं ऐसे बिंदु लगाएं तो केवल हम अंदाज से कहेंगे लगभग इस बिंदु का सीधाई इसी पर आएगा। तो आप लोग बताते हो ना, तो हमने केवल अंदाजा किया, मतलब आभास किया है उसका सीधाई ऐसे केवल जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, तो वही जो आभास करते हैं मतलब अंदाज से बताते हैं कि उसकी सीधाई इधर ही आएगा, क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वही हम आभास करते हैं ना, तो आभासी बोलता है। और जो हमको अपनी आंखों से जैसे देख सकते हैं हमको दिखाई देता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपको वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। एक चीज, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, केवल इसका हम आभास करते हैं, हमको दिखाई नहीं देता। दोस्तों आज इसके बाद अगले जो हमारा टॉपिक होगा, मतलब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होंगी, जैसे वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकल दूरी क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों फिर हम कल मिलेंगे, बाय बाय।